इस ट्यूटोरियल में वीरे को लीगली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं 3D सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे स्केचअप, 3DX Max, माया, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर है इसमें कैसे वीरे लीगली यूज कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ये टोरेंट वेबसाइट नहीं है, ये एकदम लीगल एडुकेशन पढ़ने के लिए ये दे रहा है। तो इससे कैसे आप एजुकेशन वर्सन यूज कर सकते हैं, लॉगआउट, पहले लॉगआउट करते हैं, उसके बाद यहाँ साइन इन जो ऑप्शन है, साइन इन, यहाँ से क्रिएट अकाउंट, यहाँ से आपकी जो ईमेल है इसे पेस्ट करना है, इसमें यूजर नेम, ये यूजर नेम यूज करती हूँ, कंट्रोल नेक्स्ट, इसमें एक पासवर्ड ऐसे MIL4, इसके बाद यहाँ डिजिट, किसी भी डिजिट, नेक्स्ट इसमें नेम दे देना है, कंपनी नेम, यहाँ मेरा साइन इन हो चुका है, तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद एक्टिव करना है, यहाँ से एक मैसेज देगा आपकी ईमेल में, एक्टिव योर अकाउंट, तो यहाँ से एक्टिव अकाउंट, बाद में वेबसाइट में आना है, वेबसाइट में आने के बाद यहाँ साइन इन करना है, इसमें आपकी जो ईमेल है उसे यूज करना है, इसमें पासवर्ड, साइन इन, नेक्स्ट, डाउनलोड। आप अगर 3DX Max के लिए यूज करेंगे तो इसमें क्लिक करना है, मैं माया के लिए यूज करूँगा, नेक्स्ट, यहाँ से आपकी जो वर्सन है उसे सिलेक्ट करना है, एडुकेशन, सर्च, सो ऑल, माया 2017 की जो ऑल वीरे वर्सन है वो सारे यहाँ दिख रहे हैं, किसी भी वर्सन को आप यूज कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसे डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट इसकी जो इंस्टॉलर फाइल है उसे इंस्टॉल करना है, इसके बाद जो लाइसेंस है इसे क्या करना है, ये जो पाथ है इसे कॉपी करके किसी भी फोल्डर को ओपन करके, ये जो पाथ है इसमें क्लिक करके कंट्रोल वी पेस्ट एंटर, तो ये वीरे की फोल्डर है, इसमें जस्ट जो ये जो लाइसेंस है इसे पेस्ट करना है, इसे जस्ट लेके ड्रैग करना है, इस तरह से आप वीरे की जो फ्री वर्सन है यूज कर सकते हैं।